इस बार तो झूठ नहीं बोला ना उस आदमी ने। खबर पक्की है ना बाबू आने वाला है? ऐसा लग तो नहीं रहा अभी जी। इस बार इस ट्रक्स की डील यहीं पे होने वाली है। पिछली बार भी उसने यही खबर दी थी। पूरे 3 घंटे तक भटकते रहे हम लोग। एक खबर बार बार हमें धोखा नहीं देगा। उसे मालूम है सीआईडी को धोखा देगा तो क्या होगा। आ गया वो। क्या हो? अभी अभी स्टोर में घुसा है। कहाँ पे? तुम्हारे पीछे से निकला वो। पीले रंग की टी शर्ट पहनी है उसने। बहुत ओके लुक अच्छे समझे। कार्रवाई बदमाशी किया तो बॉडी में छेद हो जाएगा। चल सीधे चल। पर मैंने किया क्या? जब सर चलता है खाली हाथ क्यों आया है? खाली किधर आया हूँ? चलो मुझे किधर भाग गया? भाग गया? उसको रोको। क्या हुआ सर? हम लोग सीआईडी से। बाइक दे दो जल्दी। ठीक है। कहाँ तक भागेगा बे? हाँ? क्या ढूंढ रहा है? गन ढूंढ रहा है अपनी? ये है तेरी गन। ड्रग्स कहाँ? हाँ? कौन सी ड्रग्स? वही जो मार्केट में गया था किसी को देने के लिए। कहाँ है? क्या है इसमें? ड्रग्स का पता है? खाली पेपर है, कुछ भी नहीं है इसमें। खाली पेपर इतने संभाल के क्यों रखा हुआ? ए रुक जाने से गोली मार दूंगा। बोलो मेरे पास होता ना पर मैं कूद जाऊंगा ऐसे। कूदना होता तो अभी तक कूद गया होता। धमकी नहीं देता। धमकी लगी आपको? सच में कूद जाऊंगा। चल कूद। कूद जाने तो हम लोग धक्का दे देंगे। चल कूद। छोड़ मत। बोला देखो जी, वो देखो।
तुम इसे संभालो, मैं देखता हूँ उसे। आओ, बुला। आप इससे मत जाइए, सीढ़ियों से जाइए, शायद लिफ्ट के अंदर खून छुपा हुआ है। ओह नो, ये तो मर गया। ये क्या, ये गले पे निशान कैसा? मैंने तो कंधे पे गोली मारी थी। माय गुडनेस, इसकी राइफल कहां गई? गले पे निशान किसी नकली चीज से किया गया है, कहीं ये वो लड़की। अभी कोई लड़की गई है? लड़की? कौन सी लड़की? उसने नीले रंग का टॉप पहना हुआ था, हाई हील्स के सैंडल्स थे। अभी भी निकली होगी यहाँ से? नहीं साहब, मैंने नहीं देखा उसे। तुम क्या आंखें बंद करके ड्यूटी करते हो क्या यहाँ पे? सॉरी साहब, पान लेने चला गया था मैं। पान लेने चला? हाँ विजय, नहीं वो आदमी मारा गया। हाँ लगता है किसी लड़की ने खून कर दिया, सैंडल थे। हाँ विजय, सैंडल थे, उसके उसके गले से खून निकल रहा है। हाँ गोली तो लगी थी उसे। ठीक है, मैं लाश को फॉरेंसिक लैब भिजवा देता हूँ। ओके। ये सबूत लेके आए, कोरा कागज। अभिजीत, ऐसे भी तो हो सकता है कि ये कोई सबूत नहीं, सिर्फ एक मामूली सा कागज हो। नहीं नहीं, ये कागज हमें बाबू की पैंट के अंदर वाली जेब से मिला है। ये कोई मामूली कागज नहीं है, कुछ तो है इसमें डॉक्टर साहब, कुछ तो है। अरे यार, मुझे तो कुछ नजर नहीं आता। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। तारिका जी के जिंदगी में कोई कोरा कागज नहीं है। क्यों तारिका जी, आप कुछ कीजिए ना। ओहो, अच्छा अच्छा, तारिका जी कुछ कीजिए ना। बॉस, कुछ इंक ऐसी होती है जो अंधेरे में चौंकती है। हाँ सर, कुछ कुछ दिख रहा है। एक सात एक एक पांच तीन, मतलब 17 11 53। तारिका लाइट ऑन करो। 17 11 53। सर, हमारे रिकॉर्ड में इस आदमी का नामो निशान नहीं है। सर, हमारे रिकॉर्ड में नहीं है? नहीं सर। अच्छा, कोई नया मुजरिम था ये। मगर एक बात है फ्रेडी, जब बाबू हमसे बच के भाग रहा था तो उसने भागने की कोई प्लानिंग तो की नहीं थी। काफी दूर तक भागा, कभी इधर भागा कभी उधर भागा, और अचानक उस बिल्डिंग में घुस गया। तो ये आदमी ठीक उसी वक्त हमारी बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में कैसे पहुंचा? बाबू पे गोली चलाने के लिए। ओ, तो ये आदमी भी वहीं पे था मार्केट में? हाँ, ये आदमी शॉपिंग मार्केट से ही हमारा पीछा कर रहा है। जब हम इस बिल्डिंग में घुसे तो ये सामने वाली बिल्डिंग में घुस गया। तो अगर ये किसी गाड़ी में हमारा पीछा कर रहा था तो वो गाड़ी अभी भी उस बिल्डिंग के सामने ही होनी चाहिए। आप लोगों को तो पता है कि इस बिल्डिंग में एक खून हो गया। हाँ सर। और जिस आदमी का खून हुआ है वो आदमी बाहर से आया, तो जाहिर है कि
किसी गाड़ी या किसी बाइक में आया होगा वो, कि जो गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हैं या बाइक्स खड़ी हैं, किस बिल्डिंग की है वो तो पता होगा ना आप लोग को। हाँ साहब मालूम है। दिखाइए। आइए सर, ये बाइक हमारी बिल्डिंग की है और ये भी हमारी बिल्डिंग की है, ये भी, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये बाइक किसकी है पता नहीं। अरे सुनो इधर आओ, ये बाइक तुम लोगों की बिल्डिंग की है क्या? नहीं हमारे बिल्डिंग की नहीं है। नहीं किसी को नहीं पता? नहीं पता। ठीक है आप लोग वहां जाके खड़े हो जाइए। ठीक है साहब। विवेक लगता है वो आदमी इसी बाइक से आया था हमारा पीछे करते हुए। हैं दिखी देखी इसमें क्या? राइफल रखने का बॉक्स। इसका मतलब यह है कि वो आदमी इसी बाइक पे आया था और इसके अंदर राइफल लेकर आया बाबू को मारने के लिए। एक काम करो विवेक, आरटीओ ऑफिस से पता लगाओ कि इस बाइक का मालिक कौन है और कहाँ रहता है। अच्छा, इस घर का कोना कोना छान मारो, यहीं से उस आदमी के बारे में कुछ पता चल सकता है। बलीपुर का अखबार है 15 जुलाई 2008। नहीं आदमी वही का तो नहीं। हाँ सचिन ये आदमी वही का है। ये देखो फोटो छपी है उसकी अखबार में, विजय नाम है इसका, चैंपियन शूटर है, आग बन करके भी निशाना लगा सकता है। इसीलिए इसने बाबू पे उतनी दूर से निशाना लगाया, शार्प शूटर जो है ये। कौन हो तुम लोग, अंदर कैसे है? इतना चिल्लाएगा तो फेफड़ों में से हवा निकल जाएगी। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? तुम कौन हो? मेरा नाम सुमेश है, इस विजय का पड़ोसी। बाहर से दरवाजा खुला देखा तो सर मिलने चला आया, वो 3-4 दिन से घर नहीं लौटा ना इस वजह से। पर अब लौटेगा भी नहीं। क्या मतलब? ये कुछ नहीं, तुम ये बताओ ये विजय कब से रह रहे हैं यहाँ पे? पिछले 6 महीनों से। सर शुरू शुरू में तो उसका कुछ काम नहीं बना, लेकिन एक दिन ढेर सारे पैसे लेके आ गया और कहने लगा कि उसकी कला की कीमत देने वाला कदरदान मिल गया उसको। कौन है ये कदरदान जिसने इतने सारे पैसे दिए विजय को? सर नाम तो नहीं बताया उसने। अच्छा उसके कोई यार दोस्त यहाँ पे आते थे उससे मिलने के लिए, कोई लड़की उसकी गर्लफ्रेंड वगैरह? नहीं सर कोई नहीं आया। अच्छा हमारे पास उसका मोबाइल नंबर है? जी मैं देता हूँ। लाइफ हॉस्पिटल सर, कोई इतने बड़े हॉस्पिटल से विजय को बार बार फोन क्यों कर रहा था? देखते हैं। Excuse me? जी 1098999 ये यहीं का नंबर है? जी हाँ ये हमारे यहाँ का ही लैंडलाइन नंबर है। पर आप? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? यहाँ पर? अब ये बताइए कि ये नंबर कौन सा है इनमें से? जी ये नंबर तो डॉक्टर सुमित के केबिन का है। डॉक्टर सुमित के केबिन का नंबर? कहाँ है इनका केबिन? जी यहाँ से लेफ्ट जाकर सामने ही उनका केबिन है। थैंक यू। सर हम ड्रग्स सप्लाई करने वाले के पीछे पड़े थे और यहाँ इस अस्पताल में पहुँच गए। ठीक वैसा ही सैंडल के हील और परफ्यूम की खुशबू भी कुछ वैसे ही है। क्या हुआ सर? बिल्डिंग में लिफ्ट के पास जिस लड़की को देखा था मैंने उसने भी ऐसे ही सैंडल पहन रखा था और परफ्यूम की खुशबू भी कुछ यही इसी तरह की थी। एक्सक्यूज मी? जी मैंने आपको पहले कहीं देखा है। लगता है आप फिल्में बहुत देखते हैं, ये डायलॉग ना थोड़ा पुराना हो गया है। नहीं नहीं वो बात नहीं है, मैं फिल्मों वाला नहीं हूँ, मैं असली में हूँ। मैं सीआईडी से हूँ, इंस्पेक्टर दया। आई एम सो सॉरी, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? डॉक्टर सुमित के बारे में कुछ बता सकती हैं आप? कुछ नहीं बहुत कुछ बता सकती हूँ डॉक्टर सुमित। आप डॉक्टर सुमित हैं? हाँ इसमें इतना चकराने वाली क्या बात है? नहीं मुझे लगा कि डॉक्टर सुमित कोई लड़का होगा। क्यों
लड़की का नाम सुमित नहीं हो सकता क्या? नहीं नहीं बिल्कुल हो सकता, क्यों नहीं? आप जरा ये फोटो देखिए, आप इसे पहचानती हैं? ये वो बालीपुर का शूटिंग चैंपियन विजय है ना ये? बिल्कुल बिल्कुल। क्या हम जान सकते हैं कि आपका विजय के साथ क्या रिश्ता था? अपनी किडनी बेचने आया था। क्या? किडनी बेचने आया था? हाँ, बेचारे को पैसों की बहुत जरूरत थी, पर मैंने साफ साफ मना कर दिया, हमारे यहाँ किडनी बेची और खरीदी नहीं जाती। ऐसी? पता नहीं कौन लोग हमारे हॉस्पिटल का नाम खराब करने पे तुले। कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई में यहाँ पे किडनियों का व्यापार हो रहा हो और आपको मालूम ना हो? ये हॉस्पिटल ना मेरे पिताजी का है, यहाँ पे जो होता है मुझे सब मालूम है। आपने विजय के साथ दोबारा बात कब की? वो विजय के साथ मेरी पहली और आखिरी मुलाकात थी। नहीं नहीं, फोन पे तो बात की होगी ना? नहीं, मैं उससे फोन पे बात क्यों करूंगी? तो आपके कैबिन से परसों विजय को 3 बार किसने फोन किया? मेरे कैबिन से? ये कैसे हो सकता है? सिर्फ परसों नहीं, 1 हफ्ते पहले और 10 दिन पहले भी आपके कैबिन से विजय को फोन किया गया। 1098999, ये किसका नंबर है? आपके कैबिन का नंबर है ना? हाँ, पर मैंने कोई बात नहीं की है विजय से। कल दोपहर 3 बजे आप कहाँ थी? होटल इंटर मिलान में थी, मेडिकल कॉन्फ्रेंस थी। मेडिकल कॉन्फ्रेंस किसके साथ? कुछ फॉरेन से लोग आए थे। ठीक है, हम उनसे मिलना चाहते हैं। वो लोग तो चले गए अपने देश वापस। चले गए? ठीक है, आप जा सकती हैं। थैंक यू। विवेक, हमें इस पे नजर रखनी होगी। सर, पूरे 5 दिन से हम लगातार इस उम्मीद पर नजर रखे हुए हैं, पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला सर। देखो दया, कहीं ऐसा ना हो कि हम पूरा ध्यान सुमित पर लगाए और खूनी कोई और ही हो। सर, मुझे अभी भी यही लग रहा है कि सुमित की कुछ गड़बड़ है सर। मगर दया, हमने उसका फोन तो टैप किया है ना? हाँ सर, मगर उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। सर, मेरे हिसाब से हम उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और अच्छी तरह से पूछताछ करते हैं सर। नहीं 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 दया, किसी बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर को हम बिना सबूत के अरेस्ट नहीं कर सकते, बवाल मच जाएगा। सर एक मिनट सर। क्या हुआ दया? सर वही खुशबू है सर, सर वही परफ्यूम की खुशबू है जो मुझे वहाँ लिफ्ट के पास में आई थी। और हॉस्पिटल में ऐसा ही कुछ परफ्यूम लगाया था सुमित ने। दया, घर चेक करो, ये सुमित शायद तुम्हारे घर में ही होगी। घर में तो कोई भी नहीं। कोई भी नहीं तो फिर वो परफ्यूम एक ही हो सकता है दया। ये सुमित तुम्हारे घर में गई थी जब तुम घर में नहीं थे। मगर सर, हम लोग तो लगातार उस पर नजर रखे हुए थे, अगर वो यहाँ पे आती मुझे या सचिन को पता चल जाता सर। ठीक है, लेकिन तुम होशियार रहना दया। मैं विवेक को फोन करके कहता हूँ कि लाइन हॉस्पिटल में जाकर पिछले 1 महीने में जितने भी ऑपरेशन हुए सबकी लिस्ट लेकर आने को। ठीक है सर, गुड नाइट।
शराब? अरे नहीं नहीं दया, दया नहीं, लेटे रहो। जख्म उतना भरा नहीं है, हल्की सी चोट है सर। ऐसे छोटे मोटे खरोज लगने से घर बैठ गए तो सीआईडी का फर्ज निभाएंगे कैसे सर? नहीं, खून तो काफी बह गया है और उन लोगों को इस खून की कीमत चुकानी पड़ेगी। जब तक मेरे साथ तुम्हारे जैसे दोस्त है अभिजीत, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन एक बात है अभिजीत, दया को सिर्फ डराना चाहता था, दया को मारना नहीं चाहता था, इसीलिए तो उसने छोटा सा बम लगाया है। इस धमाके के पीछे एक लड़की का हाथ है। बेहोश होने से पहले मैंने अपने सामने उस लड़की के सैंडल का हील देखा था, बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने उस लिफ्ट के पास देखा था सर। ये वही लड़की है, मुझे पूरा यकीन है ये उस सुमित का ही काम है सर। सर अभी आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ से आ रहे हो? सर मैं लाइफ हॉस्पिटल से आ रहा हूँ सर। एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज पता चली है सर। क्या बताओ? ये देखिए सर, पिछले 3 महीनों में इस अस्पताल में 12 मरीज कोमा में चले गए सर, किसी को पता तक नहीं चला। 3 महीनों में 12 मरीज कोमा में चले गए, क्या बीमारी क्या है उनको? सर मैंने इन मरीजों के परिवार वालों से बात की सर, उन्होंने कहा कि कुछ खास तकलीफ नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ने कुछ ना कुछ बहाना बना के उन सबका ऑपरेशन कर दिया और ऑपरेशन के बाद सभी के सभी कोमा में चले गए। बड़ी अजीब बात है सर। इससे भी अजीब बात तो ये है कि इन 12 मरीजों का ऑपरेशन थिएटर नंबर 2 में हुआ था। क्या? अभिजीत, काम करो, जाओ उस हॉस्पिटल में, पता लगाओ चल क्या रहा है वहां पर। ठीक है सर, मैं कुछ प्लान करता हूँ। आप रेडी? अच्छा ठीक है, तुम रुक जाओ वहीं पर, हाँ हम लोग आते हैं। ओके। प्रीटी का फोन था, कह रहा था बाबू को कभी भी होश आ सकता है। विवेक हम लोग चलते हैं। सर मैं भी चलूंगा सर। अरे तुम कहाँ चल रहे? सर काम करूंगा तो शायद जल्दी अच्छा हो जाऊंगा। तो फिर चलो। लग तो कुछ हॉस्पिटल जैसा ही रहा। सीआईडी वाला कहीं चिपका हुआ अभी तक? कुंभकरण की नींद सो रहा है, डॉक्टर ने तो कहा था कि इसे कभी भी होश आ सकता है। जी हाँ, एडमिट कर लिया डॉक्टर ने सर। अब देखिए, अब कह रहे थे कि ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। जी मैं ध्यान रखूंगा। जी क्या नाम है आपका बेटा? सुनील। क्या हुआ इनको? पता नहीं, एकदम ठीक था लेकिन अचानक से उल्टियां शुरू हो गई। तो डॉक्टर ने क्या बताया? ये कह रहे थे कि बीमारी का कुछ पता नहीं चल रहा है, इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। अजीब बात है, बीमारी का पता नहीं और ऑपरेशन करना पड़ेगा, किस
किस बात का ऑपरेशन भाई? अब इस चीज के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हमारा बेटा ठीक हो जाए। आप जी कब कर रहे हैं ऑपरेशन? जी आज रात 11 बजे। आप आराम करिए। मामला गड़बड़ है, बीमारी का पता नहीं, वो लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। अभी आज रात 11 बजे। मैं जरा चेक करके आती हूँ कौन से ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन होने वाला है। कैसी तबीयत है आप? ठीक है। कैसे हैं मिस्टर मेहरा? अरे तुम बैठे क्यों हो? बस ऐसे ही। चलो लेट जाओ, चेकअप कर लो। चलो पेट में दर्द है? नहीं। हार्ट बीट रुक रुक के चल रही है। सुमित इन्हें टैक्सी में दे दो ताकि जब तक इनका कंप्लीट चेकअप हो इनकी धड़कन ठीक ठाक चलती रहे। बैठ सकता हूँ? जी। एक सेकेंड, ये देना। दोपहर को दे देना ये। थैंक यू। मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना डॉक्टर? हमारे हॉस्पिटल में जो आता है ना वो ठीक होके जाता है। लंबी लंबी सांस लो बेटा, और लंबी सांस, और लंबी सांस। दर्द हो रहा है? एक्स्ट्रा माइटेक दे देना इसे कैप्सूल। डॉक्टर साहब सब ठीक है ना? सर्जरी करानी है ना इसलिए कुछ दवाई दी है, सब ठीक है। ओके डॉक्टर, चल। ठीक है बाबू भाग गया, चलो देखते हैं। वो रास बताओ, 17-11-53 क्या मतलब क्या है उसका, बताओ।
हाँ हाँ कोशिश करो बाबू। सत्रह जून तो आज ही है। हाँ 17 जून मतलब दया आज कुछ होने वाला है। लेकिन क्या बाबू क्या होने वाला आज? तू मर गया सर? मर गया। तुम्हारा शक बिल्कुल सही निकला। सुनील का ऑपरेशन भी थिएटर नंबर 2 में है। तारिका, तारिका मुझे क्या हुआ तुम्हें? चक्कर आ रहा है मुझे। वो कैसे? पानी, शायद पानी में कुछ था। इसी भी साहब को फोन करो जल्दी। हे भगवान, इसकी हालत तो बिगड़ती जा रही है। जल्दी से स्ट्रेचर लाओ, इसका अभी ऑपरेशन कराना है। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। आप मेरे साथ चलिए, कुछ पेपर साइन कराने हैं। चलिए। अगर जल्दी इन्हें नहीं रोका तो शायद सुनील भी कोमा में पहुंच जाएगा। एसीपी सर। हाँ हाँ एसीपी सर को फोन लगाती हूँ। हेलो एसीपी सर। हेलो हेलो तारिका। हेलो तारिका। हेलो तारिका क्या हुआ? तारिका कहाँ पर? सर यहाँ पे। अरे सर अभिजीत और तारिका दोनों का इसी बेड पे था अभिजीत। हाँ सर यही था। अरे सर कहीं दोनों को कुछ हो तो नहीं है? अरे सुनो भैया जरा, ये सामने वाले बेड पे एक पेशेंट था और उसके साथ में एक लड़की भी थी, क्या तुमने देखा उन्हें? वो तो वहां बेहोश पड़ी हुई है। तारिका 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 उठो, क्या हुआ सर? क्या हुआ, तू बेहोश कैसे हो गई? सर शायद मेरे सर पे किसी ने बहुत जोर से मारा। सिर पे मारा? किसने? पता नहीं सर, मैं उसका चेहरा ही नहीं देख पाई। तो फिर अभिजीत कहाँ था उस वक्त? अभिजीत को तो पहले ही किसी ने वो नशे वाली दवाई दे दी थी। इस वक्त कहाँ है वो? हाँ क्यों, वो वार्ड में नहीं है? नहीं वार्ड में नहीं है वो, इस वक्त कहाँ है कुछ पता है तुम्हें? सर वो लोग आज एक और ऑपरेशन करने वाले, ऑपरेशन थिएटर नंबर 2 में। ऑपरेशन थिएटर नंबर 2? वो लोग शायद अभिजीत को भी वहीं ले गए हो। माय गॉड लेट्स गो सर। ये रहा ऑपरेशन थिएटर, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अरे आप लोग कौन है? वही खुशबू सर, वही परफ्यूम वाली लड़की, सैंडल भी वही है। लेकिन आप लोग हैं कौन? तुम्हारे रिश्तेदार। कहाँ है सुनील और कहाँ है अभिजीत, कहाँ छुपा के रखा है? मुझे नहीं पता। अच्छा तारिका। अच्छा चल उठ। बोल सुनील कहाँ? कौन सुनील?
वही लड़का जिसका ऑपरेशन होने वाला था। ऑपरेशन? देखो अभी भी वक्त है, सच सच बताओ वरना फांसी का फंदा हाथ लगेगा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ नर्स ने फोन किया और मैं इधर आई। कौन सी नर्स? बुलाओ उसे। मैं भी उसी को ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं मिल रही है। एक और झूठ। एक तो विजय का खून कर दिया, बाद में मुझे मारने की कोशिश की, अब ऐसे भोली बन रही हो जैसे कुछ मालूम ही नहीं तुम्हें। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं किसी की जान कैसे ले सकती हूँ? मैं डॉक्टर हूँ। सर ये भी वॉचमैन से पता चला है कि दो एम्बुलेंसेस 5 मिनट पहले केयर के बाहर गई है। दो एम्बुलेंस, एक में सुनील और एक में अभिजीत। अरे इतना घबरा क्यों रहे हो बेटा? हमने कहा ना कि जल्दी छोड़ देंगे, बस एक बार तुम्हारी किडनी निकाल लें, फिर तुम हंसते खेलते घर चले जाना। एक डॉक्टर हो के ऐसा घिनौना काम करते हुए? बहुत शर्माती है, लेकिन मैं क्या करूं? जब भी देखता हूं कि हर तीसरे आदमी की किडनी खराब है और नई किडनी नहीं मिल रही है ना, तो मेरी शर्म से अपने आप ही मर जाती है। हम दुनिया का भला कर रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं, और तुम्हें लगता है हमें शर्म आनी चाहिए? चलो ऑपरेशन शुरू करते हैं। अंकल, अंकल प्लीज मुझे बचा लो अंकल। घबराओ नहीं बच्चे, मैं हूँ। मैं हूँ। अंकल, अंकल मुझे बचा लो अंकल। एक बार मेरे हाथ खोल के देख, फिर कर ऑपरेशन। मम्मी पापा, अंकल अंकल मुझे बचा लो अंकल, अंकल 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 मुझे बचा लो अंकल, अंकल 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 यहाँ चलो अंकल, अंकल यहाँ चलो अंकल, अंकल एक मिनट रुको, तुम लोगों को किडनी चाहिए ना, तुम मेरी किडनी ले लो, लेकिन बच्चे को जाने दो प्लीज। तू बेच रहा है किडनी? अच्छा ठीक है, तेरी ले लेते हैं। हाँ? फ्री में ले लो, मैं मुफ्त में दे दूंगा, लेकिन प्लीज बच्चे को छोड़ दो। अच्छा सुनो, कितना पैसा मिलता है किडनी बेचने का? ये तो धंधे पे उतर आया। तो तुम हमारे धंधे में पार्टनर बनना चाहते हो? हेलो, मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने पैसे में तुम लोग अपनी आत्मा बेचते हो, कितने पैसे में? एक बात तो बताना मैं भूल गया तुम लोगों को। क्या? बाबू की जेब से हमें कोड मिल चुका है। 17-11-53 सीआईडी में सब लोगों को मालूम है। 17 जून की रात 11 बजे मड आइलैंड के 53 नंबर बंगले में तुम ये ऑपरेशन करने वाले हो। अभिजीत इस वक्त मड में है, बंगलो नंबर 53 में। पर सीआईडी किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकती है। किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकती है सीआईडी। अगर तुम सीआईडी वालों में इतना दिमाग होता ना, तो हमें कब का पकड़ चुके होते। लेकिन नहीं, हम तुम सीआईडी वालों से ज्यादा चाला और ज्यादा होशियार हैं। मत चलो। ए, छोड़ो उसे। छोड़। क्या कर रहे हो तुम? हट जाओ। तारिका, बच्चे को संभालो। बच्चे की किडनी निकाली तो नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं।
बोल कहाँ गोली मारू सुन ये सुमित है तो फिर ये भी सुमित ये चक्कर क्या है पापा ये सब क्या है क्या ये लोग सच कह रहे हैं हाँ ये सच है कि मैं किडनियों की चोरी करता हूँ पापा आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरी एक जुड़वा बहन है मैं तुम्हें बता देता तो फिर अपना काम कैसे करता मैं चाहता था कि तुम जुर्म करती रहो और सुमित दुनिया के नजरों के सामने अच्छी बनी रहे आप इंसान नहीं राक्षस है एक बाप होके कोई अपनी बेटियों के साथ ऐसे कैसे कर सकता है शायद एक बाप अपनी बेटियों के साथ ऐसा नहीं कर सकता लेकिन तुम दोनों मेरी सगी बेटी नहीं हो तुम दोनों को मैंने गोद लिया है तुम बाप हो या जहरीले सांप तुम जैसे आदमी को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी समझे ये जा रहे इनके पापों की सजा तो अब अदालत तय करेगी प्लीज मेरी बहन को मत लेकर जाओ इसने जो किया वो सब इस आदमी के कहने पर इसे जो संस्कार मिले इसने वही सही समझा सीखो कुछ अपनी बेटी से लेकिन रिश्तों की अहमियत तुम्हें क्या समझ में आएगी मैं खूनी हूँ और खूनी को अपने संस्कार चाहे कहीं से भी मिले हो इससे उसका गुनाह कम नहीं हो जाता मैं अपने आप को कानून के हवाले करती हूँ